एक मिनट पंडित जी पीछे उठो पीछे दिखा नहीं सब हो गया लाइट है चंदिया जी आके बड़ा हो गया ना सब गलत छोड़ दिया मुझे लेकिन सर अभी मैं बड़ा नहीं हुआ मैं भी बड़ा नहीं हूँ सर तुम लोग बोले थे अभी तो मैं छूट नहीं गया बड़ा सर बड़ा रात को मैं विद्युत क्यों तेरा भी ऐसी कैसा किताब दिन में कुछ नहीं होता सर कॉम्पैक्ट लेना है क्लोज लेना है क्लोज लेना है हाँ ठीक है ओके बाकी मैंने कॉम्पैक्ट लेना क्लोज लेना क्या होता है बिरजू को तेरे घर के झोपड़ी का एंड अरे छपरे है सर इसमें भी लगाओ ले 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 तुम ठीक हो धानी आई एम रियली सॉरी वो ध्यान एक सेकंड हिलाना प्लीज तुम्हारे सर पे हल्की सी चोट आई है एक काम करते हैं हम हॉस्पिटल चलते हैं ठीक है चलो नहीं नहीं सबसे पहले एक मोमेंट ले रहे हैं अरे इधर हमारा ध्यान नहीं था और तुम्हारी सर पे सर पे चोट लगी हल्का सा खून आ रहा है एक काम करते हैं हॉस्पिटल चलते हैं प्लीज नहीं हॉस्पिटल जाने की कोई जरूरत नहीं है वो पानी सर पे चोट लगी खून निकल रहा है एक सेकंड अरे ऐसे चिल्ला के रोइए डरा दिया हमें तुमने वाली दवाई नहीं इससे बहुत चलन होती है धानी अगर अगर इस चोट को साफ नहीं करेंगे ये दवा लगाकर तो खून कैसे रुकेगा प्लीज थोड़ा सा नहीं नहीं बहुत बहुत जलन होती है सबकी थोड़ी जलन बर्दाश्त करो चोट ठीक करने के लिए दवाई लगाना बस थोड़ी सी जलन बर्दाश्त कर लेना हमारे लिए बस वो थोड़ी सी जलन बर्दाश्त कर लेना चोट सही करने के लिए दवा तो लगानी पड़ेगी ना एक सेकंड हनी मार
है तो एक घंटे हुआ देवी आपको आपने देखा करोगे एक इसका हाथ का छोड़ दे देना सर हाथ का कौन सा हाथ का उसने चिल्ला के हाथ पकड़ा जो वो इधर से ले लिया था सेंटर से ले आना ओके दीपो थन कल आया हेलो हेलो के कैमरे के नीचे भाई हम लोग चलो चलो आ जाओ रोलिंग निकलने से लो बंद ये ले यार दे दिया उधर अरे यही लेता अच्छा है ये धानी लास्ट मशीन दिखा दे कहाँ पे टेम्पो में लोड कर दिया होगा हाँ ये पीछे लो थोड़ा सा गेटवे टॉप वाला हाँ ये उधर वाला और थोड़ा 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 फील्ड में कॉर्नर आ रहा है उधर वाला आज के सीन के बारे में बहुत सारे सीन शूट कर रहे हैं आज हम तो किस सीन के बारे में बताऊँ स्पेसिफिकली जो मैं आज गाड़ी में गाड़ी में हाय आ जाइए जॉइन अस जॉइन अस गरम आ जाओ हाय हाय आज के सीन के बारे में बात कर रहे हैं अच्छा जहाँ पे ये बहुत रैश ड्राइविंग करके मेरे सर पे चोट जो लगा किसी को नहीं करनी चाहिए जो किसी को नहीं करनी चाहिए सीट बेल्ट पहने रहना चाहिए हालांकि मैंने भी सीट बेल्ट पहना था पर चोट लग जाता कभी कभी रैश ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए जो कि ध्रुव कर रहा है और ऑब्वियसली उसे इस बात का गिल्ट होता है बाद में क्योंकि धानी को चोट लग गई है और वो खुद उस चोट की मरम पट्टी भी करता है बिल्कुल तो क्योंकि कौन से मंदिर जा रहे हैं मंदिर में क्या होने वाला है बिना गोद में उठा के लेके जाने वाले हाँ कुलदेवी मंदिर लेके जा रहे हैं जहाँ पर धानी को दर्शन करना है ध्रुव को दर्शन डेफिनेटली नहीं करना चाहता वो और सिचुएशन ऐसे बन जाती है कि इसके पाँव में चोट लगती है और ये सीढ़ियाँ जो है वो
क्लाइम नहीं कर पाती, चढ़ नहीं पाती है, तो अब रास्ता कुछ बचा नहीं है, रास्ता सिर्फ एक ही है कि अब इसको उठा के लेके जाए कोई। और हमारे शो का मेन मोटो हमेशा यही रहा है कि सब कुछ पहले से डेस्टिन्ड है। हम कितना भी कोई चीज़ अवॉइड करना चाहे या ना करना चाहे, होता वही है जो लिखा गया है। तो आई थिंक ध्रुव दर्शन कर पाएगा। हाँ, ध्रुव चाहता तो नहीं है दर्शन करना धानी के साथ, लेकिन होगा वही जो राम रची राखा। एग्जैक्टली। लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, और पहला सीरियल है जो यूट्यूब पे एपिसोड की टेलीकास्ट हो रहा है। Yes. तो इसके लिए क्या कहेंगे आप लोग, इतनी मेहनत कर रहे हैं कि दिन भर गर्मी में आप लोग शूट कर रहे हैं यहाँ पे? क्या होता है कि जब हम मेहनत कर रहे हैं, चाहे रात की शिफ्ट कर रहे हैं या सुबह 7 बजे की शिफ्ट कर रहे हैं, ये सब चीज़ें बॉदर नहीं करती। जब आपको पता चलता है कि आपके शो को प्यार दिया जा रहा है, आपका शो अच्छा कर रहा है, लोग देख रहे हैं, अप्रिशिएट किए जा रहे हैं, तो ये सब चीज़ें अच्छी लगने लगती हैं हमें कि हम सेट पे आ रहे हैं, 12-15 घंटे काम कर रहे हैं, कड़ी धूप में करें, ये सब चीज़ें बॉदर नहीं करती फिर उसके बाद। और हमें ये तो पता था कि इंडिया के लोग देख रहे हैं, लेकिन जब से यूट्यूब पर हमने एपिसोड्स डालना स्टार्ट किया, हमारे सारे इंटरनेशनल फैंस भी देख पा रहे हैं शो। सो आई थिंक बहुत अमेजिंग चीज़ है ये कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंच पा रहे हैं, और सबको अपना शो अच्छा भी लग रहा है। सो आई थिंक वेरी एक्साइटेड। हमें ये मेहनत पता नहीं चलती जब हमें इस बात का एहसास होता है कि लोगों को हमारा काम अच्छा लग रहा है। दंगल टीवी को लोग बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा, अभी डायमंड बटन भी मिला है, 10 मिलियन ये चीज हमें अब पता चल रही है क्योंकि हमने देखे नहीं है, मौका नहीं मिलता है। वो होता है कि हम सुबह निकलते 7 बजे घर से, रात को पहुँचते हैं तकरीबन 10-11 बज जाता है घर पहुँचते, और हमारा लोकेशन काफ़ी दूर है जहाँ हम रहते हैं वहाँ से, तो मौका मिलता नहीं है हमें देखने का कि आप देख पाएँ कि क्या रिव्यूज़ मिल रहे हैं क्या। बट जैसे आप हमें इन्फॉर्मेशन देते हैं तो हमें अच्छा लगता है सुनकर कि डेफिनेटली अगर आपको अच्छा लग रहा तो हमें संतुष्टि मिलती है। आपको बोलते हैं कि आपकी रूह खुश हो जाती है, तो वो अच्छा लगता है हमें। और बहुत अच्छा लग रहा है ये देखकर कि दंगल एज अ चैनल इज ऑल्सो ग्रोइंग। आई मीन दैट्स व्हाट आई थिंक वी वो होपिंग फॉर। हमारी यही उम्मीद थी कि जैसे जिस परफेक्शन के साथ दंगल काम करने की कोशिश कर रहा है हर जगह, आई थिंक ये होना ही था। लोगों को पसंद आ रहा है कॉन्टेंट, और बड़े अग्रेसिवली दंगल इज क्लाइंबिंग द लैडर ऑफ सक्सेस। तो आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी नाइस अचीवमेंट ऑन यूट्यूब। या ये इतनी अच्छी खबर, और उससे बड़ी बात, मतलब इतनी अच्छी चीजें सुनने के बाद अभी ऐसा हो गया कि जो हमारी एनर्जी लाइक 0.1% कम हुई थी, इतनी लाइक पानी ग्लूकोन डी अब जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, तो मतलब आप देखो भागने लगेंगे हम, ट्रिपल एनर्जी, मतलब अब तो देखो अच्छा लगता है। आई मीन जब सब चीजें अच्छी चल रही हो, फीडबैक अच्छा आ रहा हो, स्टोरी अच्छी चल रही हो, कहीं ना कहीं ऐसा होता है, सिर्फ हमारे साथ नहीं है, आई थिंक शो इंडस्ट्री में हर कहीं ये चीज़ होती है कि कहीं ना कहीं हर किसी के अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ होते हैं स्टोरीज को लेकर कि यार आई थिंक सो इस समय ये चेंजेस होने चाहिए थे, वो चेंजेस होने चाहिए थे। कहीं हमारे शो में ऐसा होता है कि हम डिस्कस करते हैं, मैटर को सॉल्व करते हैं, साथ हाथ में हाथ पकड़ के एक दूसरे का काम करते हैं, और जब हमें ऐसे फीडबैक मिलते हैं तो हमें ऐसे अच्छा लगता है कि यार हाँ मेहनत रंग ला रही है। बहुत भारी है, बहुत भारी है, नहीं बिल्कुल भारी नहीं है। थैंक यू सो मच। वीडियो ले लो, खाली एक फोटो ले लो, हो गया, मैं दिखाता हूँ। शूट कर रहा है कि भागना तो नहीं, इधर भागना दे तो सही। ना दे कहां रहेगा सिर्फ, तो मतलब कॉपीराइट आएगा, क्या हो जाएगा। चलो भाई,
ऑलरेडी मार्क करो रोलिंग एंड रानी आओ एक्शन सर एक सेकंड सॉरी सॉरी सर लेफ्ट लेफ्ट थर्मोकोल फील्ड में अरे धीरे से करो ना बहुत ज्यादा पार हो गया सर सर कहां जा रहे हैं हां कहां जा रहे हैं दर्शन करने दर्शन करने दर्शन करिए माता के पहुंच भी जय हो माता रानी जय हो चलिए सर ऐसे चले जाओ